सारी संगत नू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग नंबर 1060 से तो पहली लाइन है, 6 नंबर तो बाद, इस मन मंदिर में मनुआता है, सुख पल्लर त्याग महादुख पावे। इस मन मंदिर, इस शरीर दे विच मनुआता है, मन भज्या फिरदा है, तो शरीर दे विच पर शरीर तो बाहर निकले भज्या फिरदा, कदे अमरीका कनेडा जिथे जिथे दोस्त मित्र रिश्तेदार होंदे ने भज्या फिरदा। सुख पल्लर त्याग मन दुख पावे। पल्लर काफूस, परमात्मा का नाम ने देना सानू सुख। इस सुख नू त्याग के पराली काफूस कठा कर, इसलिए महा दुख पावे, इसलिए बहुत दुख पाउंदा। इहनू पता ही नहीं भी की कठा करना। जो चीज सुख का कारण है उन्हें कठी नहीं करता, जो दुख का कारण है उन्हें कठी करता। यही कारण है कि मनुख दे कोल सब कुछ है पर इसके बावजूद दुखी है। ये दुखी बिन सतगुर पेटे ठौर न पावे, आपे खेल कराएगा। गुरु नु मिले बिना एदा मन टिकदा नहीं, ठौर हुंदा टिकना टिकाणा। गुरु नु मिले बिना मन नु टिकाणा नहीं मिलदा, पर आपे खेल कराएंदा। पर परमात्मा ने एक खेल भी आप ही वरताया होया है, भी शरीर च मन पाउणा है ते मन नु कहिंदे तू भज्या फिर, ते मन नु सोझी नहीं देनी, उन्हें जो नहीं चाहिए वो कठा करना, तो फिर दुख पाउंदा। आप परंपर आप विचारी, आपे मेले करने सारी। अपरंपर हुंदा बेअंत, परमात्मा बेअंत है। आप विचारी, आप ही विचारवान है। आपे मेले करने सारी, सारी मैंने वधिया करनी मैंने कम, ते वधिया कम की है नाम जपना, ये करनी सारी। जड़ा नाम जपदा है करनी सारी करता है, परमात्मा आपे मिलन आप ही अपना मिला लेता है। क्या को कार करे बेचारा, आपे बख्श मिला लेता। कोई बेचारा मनुख की कम कर सकता है, कार मन कम की कम कर सकता है, इसे परमात्मा आप ही उसके अवगुण नूं बख्श के उन्हें अपने नाल मिला लेंदा है। आपे सतगुर मेले पूरा, सच्चे शब्द महाबन सूरा। परमात्मा गुरु जो पूर्ण है उहदे नाल साडा मेल करवाउंदा है। सच्चे शब्द महाबल सूर, परमात्मा दे नाम रही मनुख महाबली हो जाता है, सूरमा हो जाता है। लोगों नूं लड़न लई नहीं, वह महाबली सूरम दा अपनी अंदर पंज बुराइयां नाल लड़दा है, तो पंज बुराइयां नाल लड़दा है। बाहरले दुश्मन लड़ने औखा नहीं जिन्ना अंदरले दुश्मन औखा है। आपे मेले दे वड्याई, सच्चे सिंह चित लाएंगे। जिहड़ा परमात्मा दे नाल चित लाउंदा है, सच्चे सिंह जिहड़ा परमात्मा दे नाल चित लाउंदा है, परमात्मा फिर की कहता है, आपे मेले दे वड्याई। परमात्मा अपने नाल मिला लैंदा है ते उन्हें वड्याई बख्शदा। कर ही अंदर साचा सोई,
परमात्मा जो सदा रहने वाला है, सच है, सदा रहने वाला, वो साढ़े हृदय च ही है, वो साढ़े अंदर ही है। गुरमुख विरला बूझे कोई, पर कोई विरला टावा गुरमुख है जिसने इस गल की सोझी है कि परमात्मा दे अंदर ही है। हजारों सालों तक मनुख परमात्मा नूं बाहर समझदा रहा, कोई जंगलां समझदा रहा, कोई पहाड़ां ते समझदा रहा, इसलिए मनुख भटकदा रहा। ऐं इक जिहड़ा आकाश च भगत जाया करदा सी, नारद जी, एक वी नारद जी विष्णु भगवान नूं मिलन चले गए। घर गया, विष्णु महाराज की पत्नी कहिंदे वी उह तां घर है नहीं, कहिंदे वी कित्थे होणगे, कहिंदे मैनूं तां दस के नहीं गए, बाकी तुहाडी दिव्य दृष्टि है, देख लो। नारद जी ने पहाड़ां वल वेख्या, उत्थे कोई विष्णु महाराज दिसे, जंगलां वल वेख्या, उत्थे कोई नहीं दिसे, कई पासे देखे, फिर एक थां ते की हो रहा है, सत संगत हो रही है। सब तो अखीर ते विष्णु महाराज बैठे, नारद जी उसे चले गए। कहते महाराज जी, मैं तैनू बड़िया थावां ते लभिया हूं, तुसी इत्थे बैठे हो। कहते नारद जी, तुहानू भुलेखा कि मैं पता नहीं जंगलां च रहना जां पहाड़ां च रहना, जदों भी मैनू लभना होवे जिथे सतसंगत हो रही है मैं उत्थे रहना। बाणी भी ही कहते विच संगत हर प्रभ वसै। सिख भी बाहर लभदा फिरदा, इत्थे विच ही बैठे परमात्मा। परमात्मा सत संगत दे विच बैठे, क्योंकि बाणी कहिंदी है सत संगत दे विच वड्डियां वड्डियां रूहां आउंदियां, इसलिए जिहड़े मनुख सत्संग करदे उहनां दी किरपा हुंदी है, इसलिए कहिंदे घर ही अंदर साचा सोई गुरमुख विरला बूझे कोई। साढ़े अंदर ही परमात्मा है, पर कोई गुरमुख विरला ड्रामा है जो इस गल नूं समझदा है। नाम निदान वसिया घट अंतर, रसना नाम ध्यान। जिहड़ा गुरमुख हुंदा है रसना दे नाल, जीव दे नाल, वह नाम जपदा है, ध्यांदा है, जपदा है। नाम जपन करके नाम दा खजाना वो साढ़े अंदर वस जाता है। नाम दा खजाना, सारे सुखां दा खजाना साढ़े अंदर वस जाता। दिसंतर पवै अंतर नहीं भाले, ये दिसंतर अंदर दूजे देशां च, मनुख बाहरले देशां च पा दूर दूर फिरदा रहिंदा, विषय परमात्मा उत्थे है। माया मोह बद्धा जमका ले, अंदर भालदा नहीं परमात्मा नूं, दसां दिशावां च फिरदा रहिंदा। परमात्मा ते अंदर है, भटकण दी की लोड़ है? पर उहदे मनुख नूं पता नहीं सी, इसलिए बेचारा भटकदा रहिंदा। माया मोह बद्धा जम कर ले, माया दा मोह होण करके जम जम काले मौत मौत दे जम दी फाही च बजा रहिंदा। माया दे मोह च होण के जमां दी फाही च बजा रहिंदा। जम की फांसी कबू न टूटे, दूजे पाए परमाईदा, क्योंकि रब नाल तां प्यार नहीं है, इसलिए होर चीज़ां नाल प्यार होण करके भटकदा रहिंदा।
रब दे नाम तो बिना बाकी सारियां चीजां दे याद विच भटकन है। तुहाडा पुत्र कनेडा है, तुहानू याद करना तुहाडा मन भटकदा रहेगा, पता नहीं उत्थे ठीक ठाक है कि नहीं, पता नहीं उत्थे जाके काम मिले कि नहीं, पता नहीं उन्हें पी आर मिलेगी कि नहीं, मन भटकदा रहेगा। इस करके मनुख जिहड़ा है माया दे मोह च बद्धा जमा दे जाल च फस जांदा है। जम काल जम मौत दे जमा दी फाई फस जांदा है। जम की फांसी कबू न टूटे दूजे भाए परमाए दा। रब नाल प्यार तो है नहीं, किसी का माया नाल प्यार है, किसी का कासे नाल प्यार है, किसी का रिश्तेदार नाल प्यार है, इसलिए भटक रहा है, उन्हां दी खातर थां थां भटक रहा है। जम की फांसी कबू न टूटे, पर जमा की फांसी कदे टुटती ही नहीं है। जमा की फाही तो टुटनी नाम जप के, नाम जपता नहीं उंज भटक रहा है। जब तब संजम होर कोई नाहीं, जब लग गुर का शब्द ना कमाही। जिन्ना चिर गुरु दे शब्द दी कमाई नहीं करदा, पर जिन्ना चिर गुरमंत्र दी कमाई नहीं करदा, जिन्ना चिर वाहिगुरु 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 उड़दा बैठदा नहीं करदा, जब तब संजम होर कोई ना। नाम तो बिना होर कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई संजम नहीं। सिख ले परमात्मा दा नाम ही जप है, तप है, संजम है। गुर कै शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाया। गुरु दे शब्द राही, गुर कै शब्द, गुरु दे शब्द राही जद मनुख परमात्मा नूं मिलदा है, सच पाया, उन्हूं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, सच्चे सच समझदा, तो फिर परमात्मा दे विच ही लीन हो जाता है, परमात्मा दे विच ही समा जाता है। काम क्रोध सबल संसारा, इस संसार काम ते क्रोध सबल होंगे ताकतवर, बड़े ताकतवर ने। काम ते क्रोध वड्डिया वड्डिया नूं काबू कर लैंदे ने। जदों मनुख नूं क्रोध चढ़दा है, यह अपने धियां पुत्रां नूं घर वाले नूं मार दिंदा। अके वीर अखबार च आउंदे सारा टब्बर ही मारता, भी कदे सारे टब्बर दा कसूर होया करदा कदे? जिमें सारा टब्बर मेरे विरुद्ध हो गया है, तो यह मतलब मेरे च ही नुकसान, ता ही सारे विरुद्ध हो गए। एक दा हो गल मनी भी मेरे दिना विचार नहीं मिलते, सारे ही मेरे विरुद्ध हो गए ने। एक बीबी कल परसों ही परिवार का कोई जी मैनू बुलाउंदा ही नहीं है, मैं हुक्मनामा लिया, कहते ये कसूर है। मैं बीबे तुहाडा सुभाअ नहीं ठीक है, अपने सुभाअ नूं ठीक करो, नहीं तो तुसीं आप ही सोचो भी सारा टब्बर तेरे विरुद्ध किवें हो सकता है, तैनूं कोई बुला के राजी नहीं है। तुहाडा सुभाअ परिवार दे जीआं नाल मेल नहीं खाता। इस करके मनुख अपनी पीढ़ी हेठां सोटी नहीं फिरदा, दूजे की पीढ़ी हेठा सोटी फेरते रहते, फिर वो पीढ़ी हेठों कुछ ना कुछ मिल जाता है। कहावत है अपनी पीढ़ी हेठा सोटी फेर, भाव अपने अंदर झाती मारनी चाहिए कि मैं सवेर तो लेकर राती सौन तक, जदों राती सौन लगो चौंकड़ी मार के मिनट दो मिनट लिए बैठ जाओ, तो फिर सवेर तो लैके
सौन तक तुसी केड़े केड़े खास काम कीते ते उन्हां चो केड़ा केड़ा माड़ा हो गया है ते जिहड़ा माड़ा हो गया ते फिर प्रतिज्ञा कर लो कि ए नहीं कल तो ए नहीं करांगा तां ही सुधार हो सकदा है नहीं ते अज भी माड़ा ते कल भी माड़ा करी सुधार किवें होगा सुधार ते तां ही होगा जदों असीं अपने आप ते निगाह मारांगे पता की लगे केड़ा माड़ा हो गया अपने हर कर्म नूं गुरबाणी दी तकड़ी ते तोलना है कि जिहड़ा मैं कर्म कीता की गुरबाणी अनुसार ठीक है जो गुरबाणी अनुसार ठीक नहीं ते अगले दिन वो नहीं करना चाहिए ता ही बुराइयां दूर होणगियां ना दूजा भी ऐ करदा जी दूजे नाल सानू कोई लेना देना नहीं दूजे ने सानू की लेने दे कोई की करदा की लेने दो बंदे चोरी करते ने जरूरी ने कि दोनों ही फड़े जाने कई बार इको फड़े कि नहीं फड़े जाता ते दूजे के लिए वो नहीं फड़ेगा कि मैं कोई जरूरी फड़े जाऊंगा ये नहीं होंगे कई बंदे मैं देखे सारी उम्र उम्र रिश्वत लेंदे ने रिटायर हो जाते ने पर नहीं फड़े जाते ते कई पहले दिन ही रिश्वत ली उदो ही फड़ेगी दूसरे ना कोई उदाहरण ना लेना देना नहीं असी तो यह देखना कि जो मैं करन लगा कि ये कर्म गुरबाणी आग्ञा दिंदी है जो गुरबाणी आग्ञा नहीं दिंदी तो मैं गुरु आग्ञा नहीं दिंदी तो जब फिर भी असी करी जावांगे फिर औखे वेले साडी सहायता कौन करेगा औखे वेले नक ते गुरु अगे आके रगड़दे ने ते अगला कहिंदा तू मेरी गल तां मन्नदा नहीं है किसी की गल मन्नांगे तां ही औखे वेले साडी सहायता करेगा ना अगर किसी की मनदी होए मनदे ही नहीं जा करी जा गुरु महाराज कृपा करो सो काम ते क्रोध सबल संसार ये बड़े ताकतवर हैं बहु कर्म कमावे सब दुख का पासार जेड़े भी काम क्रोध अधीन आके कर्म करते हैं सारे दुख दुख का पसारा है वो सारे कर्म दुख रूप हैं सतगुर सेवे से सुख पावे सच्चे शब्द मिलाएं जेड़े गुरु की सेवा करते हैं से सुख पावे वो सुख पाते हैं सेवा की है हुक्म मनना सेवा हुक्म मनना गुरु की सेवा करनी गुरु का हुक्म मनना भांडे तो मांजे जा रहे ने पर गुरु का हुक्म नहीं मनिया जा रहा गुरु की खुशी नहीं मिलती हुक्म मनना घर के भांडे मांज लो घर के जीव तो संगी ही ने कई बार घर के सारे जीव भजन मंदगी करने वाले होंगे उन्होंने भांडे मांज लो उन्होंने कपड़े धो लो उन्हें सेवा कर लो नहीं उस तरह किते शाबाश नहीं मिलती गुरुदा भांडे मांजने ए बीबी बड़े भांडे मांजती है रोज आती है वे वे पतीले मांजती है इस तरह सगो होमे बढ़ती है घटती नहीं घर ही झाड़ू फेर लो जरूरी गुरुद्वारे पोचे फेरने मैं नहीं कहता कि तुसी गुरुद्वारे पोचे ना फेरो जे घर च ही कम है तो पहला घर का कम कर लो फिर बाहर का करो अपना बिगाड़ के दूजे का सवारना यह कोई अकलमंदी नहीं होंगी अपना सवारो नाल दूजे का भी सवारो इस करके जे सारे जी ही घर के काम कर कितना सुख है पंज सत्त मिंट निबड़ जाए कोई सब्जी चीर रहा है कोई सब्जी बना रहा है कोई आटा गुन रहा है कोई रोटियां पका रहा है कोई वरता रहा है कितना सुख आ जाएगा अद्धे घंटे सारा कौन निबड़ जाएगा
पर नहीं वो जनानी ने ही ठेका लिया रखे सेवा करनी। फिर जब तुसी भजन बंदगी करते हुए लंगर पानी तैयार करोगे जेड़ा छकेगा वो भजन बंदगी करन लग जाएगा। कोई परिवार 6 महीने तजर्बा करके वेख लो, पाठ करदिया सिमरन करदिया मूल मंत्र जाप करदिया सब्जी चीरो, मूल मंत्र जाप करदिया हो सब्जी बनाओ, मूल मंत्र जाप करदिया आटा गुन्नो, मूल मंत्र जाप करदिया रोटियां पकाओ, ते मूल मंत्र जाप करदिया लंगर बरताओ, और जो जो खाएगा ना हौले बदलता जाएगा। झिड़कन नाल नहीं बदल देते मनुख, बाणी पढ़ पढ़ के ना उन्होंने सुभाव बदल देने। बाणी दो चीजा ते बहुत ज्यादा असर करती है, एक मिट्टी ते एक पानी ते, एक मिट्टी ते एक पानी। कन्न पेड़े हो गए ने कई सोजे ने, कई बार कन्न पेड़े हो जाते इतो कन्ना दे कोल तो सुज जाते, दस्ताना चढ़ा लो हाथ ते मिट्टी लै लो बरीक, मूल मंत्र का जाप करी जाओ मिट्टी नूं ऐ करी जाओ बस, मूल मंत्र जाप कर हाथ नाल मिट्टी असर कर, घंटा मूल मंत्र का जाप करो मिट्टी बरीक नाल उन्हें चिर मिट्टी बरीक हो जाएगी, वो हत्थां राही मूल मंत्र मिट्टी चले जाएगी, वो मिट्टी लैके फिर उसके कन्न पेड़े ऐसा मिलो जिथे कन्न पेड़े, पता कन्न पेड़े का कन्न सुजी जाते दुखला जाने पेड़े वर्गे मोटे हो जाने, रोज हफ्ता करो कन्न पेड़े ठीक हो जाएंगे। सरदार आजाद सिंह दे मुंडे दी मां रोई जावे, मैं की हो गया कहते बाबा जी मेरे मुंडे ने आए लगे गले का कैंसर हो गया, मैं अभी सब खड़ा हो मैं चलो वो तो संत शीतल सिंह जी और चल दे उन्होंने को चले गए, उन्हें एक आवाज मारी ओ ओ मिट्टी दे डलाओ लेके आ लाए इन्हें तोड़ थोड़ा जा, उन्हें किसी डंडे ने तोड़ता कहते बह जाते काका वो मंत्र मुंह च पढ़ते रहे ने ते मिट्टी नू इस तरह करते रहे ऐ करते मिट्टी नू इस तरह मंत्र पढ़ी गए, मंत्र पढ़ के फिर उन्हें मिट्टी जिहड़ी है उहदे गले ते लाई, बाकी मिट्टी जिहड़ी उहदी मां नू दित्ती। लोग कहते तुसी 3-4 दिन सवेरे शाम लाओ ठीक है मुंडा डांबर नहीं तो कैंसर का ना ही माड़ा है, महापुरखों सारे ढंग तरीके आते पर महापुरखों तो भी हर एक लाभ नहीं उठा सकता, जेडे नेड़े रेंदे ने गल्ला मारी जांदे महापुरखों नाल लाभ नहीं उठाते। मैं देख महापुरखों नाल ते पिछले जन्म वड्डे भाग होण तां कि जाके मेल हुंदा है, उन्होंने विचार वटांदे रखना चाहिए है तुसी संत किवें बने पता करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि उन्हें संत बनना, तुसी भी तो बन सकते हो, तुसी भी तो बन सकते हो। जिवें एक हरिजन से किसी के नौकर लगा हुआ उहदा जिहड़ा जट से वह कई बार इन्हें पूछा करे तेरी घर वाले दे बच्चा होना सी हो गया बच्चा, एक दिन हो गया कहते बच्चा हो गया, कहना हो गया जी मुंडा है कुड़ी हुई है, कह साडे गरीबां दा की है जी ना, पहला कहना भी तेरा की अंदाज है की होएगा तेरे घर
गरीबां दे की है जां मुंडा होएगा जां कुड़ी होएगी। वो कहिंदा क्यों अमीरां दे कुछ होर जमदा है। जवाब देखो गरीबां दा की है जां मुंडा जां कुड़ी। सो इस करके गुरु महाराज कृपा करन जड़ियाँ बीबियाँ प्रेगनेंट होंगे जी मेरे को आ जाए मैंने पाठ दे दें मैं लै बीबा आप पाठ करी जल प्रेगनेंसी तक पर चाली चाली दिन बाद मेरे को आई जाने ता मैं पता लगे बच्चे की डिवेलपमेंट ठीक हो रही है। मैं तुसी ते अल्ट्रासाउंड होर चीज़ें ना वेखना है अस्ते गुरु महाराज से पूछ लेना भी बच्चा ठीक है जी। कई बार डॉक्टर कहते जी नहीं जी ऑपरेशन होएगा। मैं देखो डिलीवरी आ रही है नॉर्मल पर ये प्राइवेट अस्पताल ने 35-40 हज़ार बनाने दे मरने तक कि ऑपरेशन कर दें। हाँ जे तुसी गवर्नमेंट कराओ मैं दावे ना कहना बिना ऑपरेशन दे बचा होगा पर लोगों के दिमाग च कोई बैठा हो प्राइवेट च भी कराने ऑपरेशन गरीब भी प्राइवेट जा रहा है। किन्नी बार मैं समझाया सरकारी नौकरी मिलना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। जेडे टॉप दे हुंदे लोग उन्होंने सरकारी नौकरी मिलती है बाकी फिर प्राइवेट कर जाते हैं बाकी प्राइवेट जाते पर नहीं दिमाग भी हाँ प्राइवेट जाए मैं जाओ मारा पैसा खर्चा। ये तो अमीर के चोचले होंगे अमीर भावें कितने भी चले जाए वह की है कहें हाँ एयर कंडीशन कमरा चाहिए हाँ पंजें सत्तां मिंटां बाद कोई गेड़ा ला जाए। जद गरीब जाते ना प्राइवेट च मैं कहना ये वड्डा मूर्ख है भी तू दस करजा चक के तू प्राइवेट अस्पताल जा रहा तो सरकारी कहदे लई बने ने गरीबां लई बने हुए। जद प्राइवेट अस्पताल नहीं सन होंदे तो सारे ही सरकारी अस्पताल होंदे इतों ही सारे ठीक होंगे। जद प्राइवेट स्कूल नहीं सन होंगे सारे सरकारी दे प्रधानमंत्री वर्गे राष्ट्र सब सरकारी स्कूलों च पढ़े हुए पुराने सब सरकारी स्कूलों पढ़े सदा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पूछ लियो उन्होंने स्कूल पढ़े सरकारी स्कूलों च पढ़ के इन्नी उच्चिया पोस्टा चले गए। हाँ हुण जदे प्राइवेट बने ने अमीर जिहड़ा भी थोड़ा जिहा हुंदा प्राइवेट स्कूल चला जांदा उन्हां बच्चों सारी सहूलतां हुंदियां गरीबां दे बच्चे फिर सरकारी जे स्कूलां च रहिंदे इसलिए उन्हां नूं कख भी नहीं हुंदा कूड़ कबाड़ हुंदा। गरीबां दे बच्चे घर च कोई सहूलत ही नहीं हैगी ना पढ़ाई की घर च सहूलत है ना कोई घर च पढ़िया होया ना कोई गाइड करने वाला है इसलिए हुण सरकारी स्कूलों च कूड़ कबाड़ आता है। सरकार भी अगों है भी टीचर ने वध तो वध वधिया रिजल्ट कढ़ो फिर असी कहांगे देखो जी सरकारी स्कूल इन्ने परसेंट बच्चे पास हो गए फिर अखबारों च पा देंगे अपने बच्चों नूं सरकारी स्कूल में दाखिल कराओ देखो कितना वधिया रिजल्ट आउंदा। जो मैं टीचर लगे सन असीं भी 75% पास करने ही करने जे 100 बच्चे क्लास दे विच 75% पास करने ही करने 75 बच्चे चाहे 60 ही पास होने वाले हों पर नहीं उन्होंने ग्रेस नंबर देखते 75 घट कर पास करना भी कूड़ कबाड़ नूं की पास करना नहीं बस भी हाँ नाम होएगा जी भी इन्ने इन्ने बच्चे पास हो गए। सो जो कुछ आता अखबारा चो सच नहीं समझ लेना प्राइवेट च भी होड़ है नकल मरवाते सलाना इम्तिहाना च भी आ साडा रिजल्ट ठीक आ जाए हाँ जी फिर क्या पुराने स्कूल का रिजल्ट बहुत वधिया आया तो भेत आ गया इन्ने साल रह गए
जे रिजल्ट घट है सरकार खिंचाई कर दी है। सरकार खिंचाई कर दी घट क्यों है? मान लो मैं किसी दे स्कूल च लगा इम्तिहान लैन ले, कोई दूजे मेरे स्कूल च आ गया, मैं कहगा मैं तेरे नु पास कर दंगा तू मेरे नु पास कर दे, निबड़ेगा मैं दोनों तो सरकार खुश हो जाएगी, हाँ बड़े वधे टीचर ने ऐ भी चलता दाता पली कर। गुरु महाराज कहते तेरा पौन पानी है बैसंतर, साडा शरीर हवा पानी ते अग दा बनया होया, माया मोह वरत है सब अंतर, पर सब दे अंदर माया दा मोह वरत रहा है। शरीर जिदा माया दा बनया हुंदा फिर तो हर गल से, ये ते हवा पानी अग दा बनया होया पर सब दे अंदर मोह वरत रहा है। जिन कीते जान तिसे पछाणे माया मोह चुकाएगा, जिन्हें जीव पैदा कीते हन जदा मनुख उसनू पहचान लेंदा है वो जिधर माया दा मोह खत्म हो जाता, रब दी पहचान आ गई। एक माया मोह गर्भ व्यापे, एक माया दे मोह च ने गर्भ हंकार नू कहिंदे ने, हिंदी वावे नाल कहिंदे ने गगा वावा उपर रारा गर्भ, वो तो पंजाबी बब्बे ना बनाने गर्भ, एक भब्बे नाल हुंदा गर्भ, वो जिहड़ा माता दा पेट हुंदा वो भब्बे नाल हुंदा, बब्बे नाल हंकार हुंदा। कई माया दे मोह विच फसे हुए व्यापे फसे हुए हैं, हंकार कर दे माया दा, हमें होए रहे हैं आपे, कहते उन्होंने अंदर होमें हुंदी है क्योंकि माया दा हंकार है। जम काले की खबर ना पाई अंत गया पछताई, जम काले काल मौत नु कहते, मौत दे जम दी उन्हों कोई खबर ही नहीं है, कोई सोझी ही नहीं है, अंतरे समय जो जाता है जम फल लेंदे ने फिर पछता है, ओहो इत नाम जपना चाहिए। कल ही मैं तेन कहा अपना इतने सत्संगी से मैं तो पाठ सीख्या रौल भी लेंदा सी समाने का, कई सालों तो गया होया है अमरीका, उन्होंने उत्थे जाके बहुत सारे लोग जोड़े मेरे न, मेरे टेलीफोन उन्होंने दिते तुम्हें अपने काम कराने बाबा जी ने कंटैक्ट कर लो। वो कहता मैं एक दिन सिमरन ते बैठा से मैं धर्मराज को चलिया गया, उसे देखता मैं साढ़े पिंड दे तीन बंदे खड़े ने, उन्होंने कुटन लग पे, कह तुसी मीट खांदे सी ते मीट खाया कर दे तां कुट रहे हो, कह कुछ समय बाद मेरी सुरत हेठा उतरी, मैं टेलीफोन किया उन्होंने घर भी मैंने सचो सच दसो थोड़े जे फलाने 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 ने यह मीट खाते सन, कहते हाँ जी, कहते उन्होंने कुट पै रहे सुते भी तुम मीट खाते रहे हो। परमात्मा नहीं चाहता कि मेरे किसी जीव न मारिया जाए, हाँ अपन को नुकसान पहुंचा फिर तो असं उन्होंने मारना ही मारना पे, कुत्ता तुहानू वड्ढन पै गया तुहाडे कोल सोटा डना जो मारो मरदा मरदे मर जाणगे, मच्छर अपन वड्ढदे मारो उन्हू, मक्खियां दुखी करदे मारो उन्हां नू, चूहे आ गए ने मारो उन्हां नू, सप अंदर आ गया मारो उसनू, शेर जंगल चो आ गया मारो उसनू, पिंडां नू खाएगा दुखना पैणा, कोई दुश्मन है उसनू मारना होर गल है, एक ने साडा कोई नुकसान ही नहीं किया भी मारी जाने, जीव दे स्वाद लई खा रहे हो। हैरानी की गल है कि साडे वड्डे वड्डे सिख लीडर कहते मीट खाधा जा सकता है,
ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 1377 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਾਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਏ ਵਰਤ ਨੇਮ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਤੇ ਸਭੇ ਰਸਾਤਲ ਜਾਏ। ਕੀਰ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਭੋਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਭੇ ਰਸਾਤਲ, ਰਸਾਤਲ ਨਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਓ ਈਟ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਬੀ ਮੈਰੀ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਾਏ ਸੋ ਵਿਧ ਜਾਣੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਜਿਸਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਿਧ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤਲਾਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਿਤਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਦਿ ਜਗਾਦ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਦਇਆਪਤ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਤ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਧਨੂੰ ਸੇਵੈ ਸੇ ਤੁਝੇ ਸਮਾਵੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸੇਵੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਤੁਝੇ ਸਮਾਵੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਲੱਲੇ ਨਸਹਿਰੀਏ, ਮੇਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਮਿਲਾਈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਗਮ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜਨਾ, ਅਗੋਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਅਗਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏਂਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਸੱਚਾ ਹੋਸੀ ਸੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਭੀ ਸੀ ਹੋਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ,
ਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸਕੇ ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਏਂਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਾਰਸ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਈਵਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਸਖਤ ਵੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੋ ਫਿਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕੌਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਕੌਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਸੌਖੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲੱਖ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਅਪਕੜ ਹੈ ਅਲੱਖ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਪਾਰਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਪ ਬੁਝਾਏਂਦਾ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
हां जीव नु गुरु दी मत दे के उनू फिर तू सोझी बख्शदा अपने बारे उनू सोझी बख्शदा। पाताल पढ़ते वे लिखे पताल पूरी नहीं कहना जपजी साहब जो पढ़ते नहीं देखे पप्पे नु कन्न लगे वो नहीं पढ़ते पताल पूरी भी पाताल पूरी लिखा हुआ पाताल पूरी ध्यान ना पढ़ना चाहिए पाताल पुरियां लो अकार जिवें उत्थे शब्द है अजूनी अजूनी सहभंग ना पढ़ के आजूनी सहभंग आड़न कन्न ला देने कदे सुन ले तुसीं पाठियां आजूनी सहभंग ऐ कहने आड़न कन्न तो उत्थे है ही नहीं आजूनी दा मतलब जूनियां वाला अजूनी हुंदा जूनी तो बिना आड़ा तो नैगेटिव नाल ही लगा हुआ अजूनी ख्याल रख के पढ़ने वाले ता ही गुरु नानक खुश हो गए अलग है यार क्या अनपढ़ जे लोग ने इन्हें पढ़ते ही नहीं होता है मैं अजूनी लिखे कहते आजूनी जिदी बाणी है जब ध्यान ना पढ़ांगे शुद्ध पढ़ांगे फिर ताई वाला खुश होगा वो तो सुन ही रहे होंगे क्योंकि परमात्मा जो गुरु जिहड़ा है गुरु मर अपनी बाणी च होंगे ने परमात्मा अपने नाम च होंगे जो मैं लेटे होया बैठा होया वाहिगुरु कर रहा जे तो मैं प्यार नाल कर रहा फिर तो परमात्मा आके सुनेगा जे मैं प्यार नाल नहीं करोगे जो दफा हो लगा फिर फल भी घट मिलेगा। तुसी बाणी प्यार ना पढ़ रहे हो गुरु महाराज सुनन आ जाएंगे तो जे आप फाहा वड्डी जाने तो कोई लगा रख पढ़ो थोड़ा प्यार ना पढ़ो ताही जदा गुरु नानक पाई लैन नाल वादा किया होया लैना जी जिथे भी प्यार नाल साड़ी कोई बाणी पढ़ता है असी उथे जाते हाँ जिथे कोई प्यार नाल साड़ी बाणी पढ़ प्यार नाल पढ़ो गुरु महाराज नूं हाजिर कर लो प्यार दे बच्चे ने सारे मैं देख कीड़े भी प्यार दे बच्चे ने पशु भी मैं तजर्बे करके देख आ गेट है कई सालों की गल है पोर जरा गेट है कुर्सी डाक के मैं बैठा गेट के अंदरले पास मैं कहला भी कुछ कोई हाव भाव नहीं करना सिर्फ मन च विचार लियाने ने भी कुत्ते ते की असर होंगे जे तो मैं घूरांगा तो समझ जाएगा चेहरे नूं वेख के चले जाएगा वह जे मैं पुछ करांगा जो कोई इशारा करांगा वह भी समझेगा मैं देखना है कि मेरे विचारां दे इससे असर हुंदा आ गया मैं मन ठीक बोलिया मूँह नहीं खोल मैं आओ जी जी आयां मन च कह रहा आओ जी जी आयां धन पाग उन्हें पूछ हिलाउणी शुरू करती मैं देख ये प्यार दी तार उत्तर गई फिर कोई देर में दिल च गया कितने सड़िया जहा आ गया उठे पूछ अपनी लत्तां दित्ती बाहर निकल गया साढ़े विचारां दा दूजे ते किन्ना असर हुंदा विचारां दा ही किन्ना असर हुंदा सो इसलिए शुभ विचार रखने चाहिए ताही दूजे नूं असीं अपना बना सकते हैं जे असीं दूजे दे प्रति शुभ विचार रखांगे ते किवें कह कित्थे सड़े जे मेरे घर आ गए ते फिर मेरे विचार उहदे तक पहुंच जाणगे सो विचारां दा असर हुंदा बंदे ते सो परमात्मा जिहड़ा सभना सार करे सुख दाता वो सारे दी सांभ संभाल करता है वो सुखां दा दाता है एक द्वारा कोई
पातालपुरी पातालपुरियां लो अकारा, परमात्मा ने पताल बनाए, पुरियां बनाई। एक होंदा लोए, लले नू होड़ा ईड़ी नू सहारे, लोए होंदा एक वचन, लले नू होड़ा आड़ा लो होंदा बहुवचन। लोए एक धरती, लो बहुतियां धरती। परमात्मा ने पताल बनाए ने, पुरियां शहर बनाए हैं, धरतियां बनाईया हैं, आकार ते कई आकार दियां बनाई हुई हैं। इस विच वरता हुक्म करार, उन्हें परमात्मा का हुक्म जो कि बहुत सख्त है वह वरत रहा है। हुक्मे साजे, हुक्मे टाहे, हुक्मे मेल मिलाएगा। परमात्मा अपने हुक्म राही जीवन नु साज रहा है, इस सृष्टि नु साज रहा है, हुक्म दे नाल ही ढा रहा है, बर्बाद कर रहा है। हुक्मे मेल मिलाएगा ते हुक्म नाल जीवन नु अपने नाल मिला लेंदा है। हुक्मे बूझे सो हुक्म सलाहे, जेड़ा हुक्म नु समझ लेंदा है वह हुक्म दे सिफत सलाह करता है, वो परमात्मा की सिफत सलाह करता है। केड़ा परमात्मा अगम अगोचर बेपरवाह है, परमात्मा जो अगम है, अपहुंच है, अगोचर है, अपकड़ है, जो बेपरवाह है। जही मत दें सो होवे, तू आपे शब्द बुझाएगा। जही मत दें, हे परमात्मा जेहो जी तू मत किसी नूं दिंदा है ना, सो होवे, वह बंदा ओही जी हो जांदा। जेहो जी मत दिंदा बंदा ओही जी हो जांदा। तू आपे शब्द बजाएंदा ते शब्द दी सोझी भी तू आप ही दिंदा है। जिन्हां तू शब्द दी सोझी दिंदा है वह नाम जप लग जांदे हैं। आन दिन आर जा छिज दी जाए, छिजना होंगे घटना, आर जा होंगी उम्र। दिन रात साड़ी उम्र कट रही है, रैन दिन दे साखी आए। दिन ते रात दोनों साखी हन, गवाह हन कि साड़ी उम्र कट रही है। दिन दिन करके रात कर उम्र कट रही है। मन मुख अंध ना चेतै मूड़ा, सिर उपर काल रवाइंदा। जिहड़ा मन मुख है अंध है, ये अन्ने पाव अग्ञानी है, ये मूड़ा ये मूर्ख है, ना चेतै, ये रब नू याद नहीं करता, इन्हें पते नहीं सिर उपर काल रवाइंदा कि तेरे सिर ते तां मौत खड़ी है जिहड़ी तेने रवाएगी। जो जमदूत आके फड़ लेंगे फिर होएगा। मन तन शीतल गुर चरणी लागा, जदा मनुख गुरु दे चरणी लग जांदा ओदा मन ओदा तन शीतल ठंडा ठार हो जांदा। अंतर भरम गया पौ भागा, क्यों गुरु दे चरणी लगन नाल अंदरों जिहड़ा भरम भटकना सी वह खत्म हो गई। भाव जो डर से वो खत्म हो गया। सदा आनंद सच्चे गुण गावे, सच बाणी बोलाएगा। फिर परमात्मा जिहड़े गुण गाउंदे रहिंदे हन उन्हां नूं सदा ही आनंद रहिंदा। वो सच्ची बाणी आप भी बोलदे ने, दूजिआं ते बुलवाउंदे हन। जिन तू जत करम विधाता, हे परमात्मा तू करम विधाता है, कर्मां दे अनुसार सानू साढ़े हिसाब किताब साडा करदा है। कर्मां दे अनुसार साडा हिसाब किताब परमात्मा करदा, वो साढ़े कर्म लिखदा है। करम विधाता हुंदा है कर्मां दा फल देण वाला। परमात्मा जीव दे कर्मां दा फल देण वाला है।
ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਤ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਤ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਜਤ ਪਤ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਹਮੇ ਮਾਰ ਮਿਲਾਇੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਹਮੇ ਮਾਰ ਮਿਲਾਇੰਦਾ। ਜਤ ਪਤ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਤ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਂਝ ਸੁਣੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਥਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੈਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਦਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੁਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਲਾ।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।